कोई एक महीना पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अनवर मकसूद साहब ने, मैंने और जहाज साहब ने, और उसमें हमने वादा किया था कि हमारे पास 30 से 35 मुल्क कन्फर्म हम लेके आएंगे। तो एक तो हम आपको ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 40 मुल्क हमारे पास कन्फर्म है, और हमारे पास 40 मुल्क, और वो मुल्क अफ्रीका भी है, यूरोप भी है, मिडल ईस्ट भी है, अगर रूस है तो यूक्रेन भी है और कोसोवो भी है, ये कोसोवो बैठा हुआ है, हमारे पास नेपाल भी है और बंगाल भी है, हमारे पास जर्मनी भी है, इटली भी है, फ्रांस भी है, माल्टा भी है, हंगरी भी है। तो एक तो ये भी आपको तकसीम कर रहे हैं हम पूरा 35 दिन का प्रोग्राम, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है। दूसरा, हमने टीवी पे चल रहा है 100 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस, हम आपको बताते हैं कि परफॉर्मेंसेस कितनी है। अब हमारे पास हैं 35 दिन 40 से ज़्यादा थिएटर परफॉर्मेंसेस, 55 से ज़्यादा म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस, 55 से ज़्यादा डांस परफॉर्मेंसेस, तो ये 150 से ज़्यादा हो गई। फिर फाइन आर्ट की 5 एग्जीबिशन है जिसमें अज़रबैजान की भी है, दूसरे मुल्कों की भी है, हमारी भी है। फिर 20 से ज़्यादा वर्कशॉप्स हैं, ये जितने इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कराची की यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, थिएटर के, म्यूज़िक के, फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप देंगे। पॉक्स के सेशन हैं, 450 आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा जो असल चीज़ है, जो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर उसको हाईलाइट करें, कि हमने ये सोचा कि ये पूरी दुनिया से, फलस्तीन से भी आ रहे हैं, तो इतने फैसिनेटिंग आर्टिस्ट आ रहे हैं, पूरा ग्लोब हमारे पास आ रहा है, तो हम अपना कल्चर इनको क्यों ना दिखाएं। तो पूरे पाकिस्तान का फोक है और सबसे ज़्यादा सिंध का फोक है जो हमारा सूबा है। सिंध का हर साज, चाहे वो नड़ी है, चाहे वो मुरली है, चाहे वो अक्तारा है, वो बुरिंदो है, वो सरिंदो है, ये शहनाई है, टॉप के जो हमारे लोग हैं, फकीर, जुल्फिकार, और ये सारे, ये हमारे इंटर सिविलाइजेशन के जितने साज हैं। फिर गिलगित भी इंटर सिविलाइजेशन का हिस्सा है, कश्मीर भी उसका हिस्सा है, और पंजाब भी एक ज़माने में इसका हिस्सा था। तो गिलगित का सारा फोक, कश्मीर का फोक, पंजाब का फोक, केपी का फोक, बलूचिस्तान का फोक, और सबसे ज़्यादा सिंध का फोक। अच्छा, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल भी सारा, ये जो इंस्ट्रूमेंटल है ये भी है। इसके अलावा माई ढाई, फकीर, फला, ये सब भी हैं जितने हमारे ऑथेंटिक आर्टिस्ट हैं। इसी तरह पंजाब से फजल जट है, तो वहाँ से केपी से खुमारियाँ हैं, तो गुलाब है, और वहाँ से अख्तर चिनार है, तो वहाँ बुकटी है। तो इस तरह से हमने सारी दुनिया को ये दिखाना है कि हम तीन तहजीबों के संगम पे बैठे हैं, इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़ और हड़प्पा। तो हम इंडस सिविलाइजेशन तीन तहजीबों के वारिस हैं, दुनिया में ऐसा कोई और मुल्क नहीं है। तो उसका हमारा 7-8 हज़ार साल का जो तहजीबी वरसा है वो भी आपको इस फेस्टिवल में नज़र आएगा। लेकिन लेकिन रक्स जो हैं, झूमर और लुड्डी और ये और वो, सारे सूबों के रक्स हैं। उसके अलावा चकवाल का रक्स है, तो हमारा राजस्थान का अलग रक्स है, तो हमारा चूलिस्तान का अलग म्यूज़िक और रक्स है, तो हमारा सरायकी और सिंधी करीब है वो भी है। उसके अलावा जो हमने किया है, हमने कुछ सेशन ऐसे रखे हैं कि सोसाइटी विदाउट कल्चर, क्या फ़र्क है कल्चर की सोसाइटी में, और हम एक रख रहे हैं कि डिप्लोमेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी थ्रू कल्चर, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, या जो एम्बेसडर बैठ के अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं उसका ज़्यादा है। फिर इसी तरह से डिफरेंट हमारी वर्कशॉप्स हैं, इसमें जो थिएटर हैं उसमें हमारे अपने भी 13 ग्रुप हैं, उसमें उर्दू का थिएटर है और सिंधी के ड्रामे भी शामिल हैं। म्यूज़िक सब जबानों का है और इंस्ट्रूमेंट सिंध के ज़्यादा हैं और इंडस सिविलाइजेशन के हैं, क्योंकि सिंध हमारा होस्ट है।
जुल्फिकार अली शाह साहब हमारे कल्चर, टूरिज्म, हेरिटेज और एंटीक्विटी के मिनिस्टर हैं। रात दिन आर्ट्स काउंसिल में मेरे साथ हैं और चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त दुबई में हैं, उनकी भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो भी रात को वापस आ जाएंगे। सो ये बताएंगे कि गवर्नमेंट इसके लिए, गवर्नमेंट ये पहला मौका है कि 20 अदारे सरकार के पूरे काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि सदारत में एक मीटिंग हुई है जिसमें सब थे, तमाम महकमे, तो वो ये शाह साहब बताएंगे, इनसे कोई मिस होगा तो फिर मैं बताऊंगा। और हमारे जो गुरु हैं, जो इस फेस्टिवल के मेंटोर हैं, वो अनवर मकसूद साहब हैं, आपको पता है इनके बगैर हमारी सुबह नहीं होती। तो इन्होंने आपसे एक बात कही थी एक महीना पहले कि अगर शाह साहब ने ये काम कर दिया तो ये दुनिया का बहुत बड़ा काम होगा। तो आज मैं उनके सामने सुरखरू हूँ कि 40 से ज़्यादा मुल्क आ रहे हैं। जर्मनी से 3 ग्रुप हैं, नहीं थैंक यू बेटा, जर्मनी से 3 ग्रुप हैं, स्पेन से 2 ग्रुप हैं, और भी कुछ ऐसे मुल्क हैं और कुछ इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं जो खुद आ रहे हैं कुछ मुल्कों से, और वो अपनी वर्कशॉप्स करेंगे और हमारे बच्चों के साथ कुछ प्लेस बनाएंगे और कुछ परफॉर्मेंसेस बनाएंगे। और जिसका जो ये जो है ना, ये तो अभी आपको मिलेगा कलर्ड में विद पोस्टर विद तस्वीरें, एक तो आपके पीडीएफ पे पहुंच गया, प्रिंटेड भी आपको 37 सफ़े का सारी तस्वीरों के साथ भी अभी मिलेगा, ठीक है। रात को 2 बजे फाइनल किया है।